नमस्ते। हृदय की बात भाग 12, हम सफाई की बात कर रहे थे। तो कल एक कहानी का बताई थी आपको, ऐसी ही दूसरी एक कहानी बताता हूँ। एक साधु महाराज थे, सभी जगह पे भिक्षा मांगने जाते थे और गांव में, और अपना खाना खा लेते थे। एक दिन वो ऐसे ही भिक्षा मांगते वक्त निकले तो एक घर के सामने खड़े रहे, बाहर से उन्होंने आवाज़ दी होगी, माई भिक्षा दो, ओम बहुत ही भिक्षा दे ही, जो कुछ भी कहा होगा। तो अंदर से एक स्त्री भिक्षा लेकर के आई, उसने वो भिक्षा दी। उस स्त्री को ऐसा लगा कि ये साधु महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, विद्वान लगते हैं, उनके चेहरे पे तेज है। तो ऐसे संत पुरुष कोई बड़े आदमी मिलते हैं तो हम हमेशा उनको कहते हैं कि महाराज मुझे कुछ अच्छी बातें बताइए, उपदेश बताइए, उपदेश दीजिए। तो उस स्त्री ने भी साधु महाराज को कहा कि महाराज कुछ उपदेश दीजिए। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, कल दूंगा मैं। तो स्त्री ने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो स्त्री उनकी राह देख रही थी। हमारे घर पे भी कोई मेहमान आते हैं तो हम राह देखते हैं ना उनकी, और अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके रखते हैं उनके लिए। तो वैसे उसी दिन, उस दिन उन्होंने, उस स्त्री ने वो साधु महाराज के लिए एक अच्छी सी खीर बनाई और वो राह देख रही थी। साधु महाराज आए, अपना बर्तन उन्होंने सामने किया खीर डालने के लिए। वो खीर अंदर से लेके आई और खीर जो है वो उसने बर्तन में डालने के लिए देखा। तो उसने देखा कि वो बर्तन के अंदर कुछ कूड़ा कचरा गोबर जैसा कुछ पड़ा है। तो उसने कहा कि साधु महाराज, आपका जो बर्तन है या तो आपका जो भिक्षा पात्र है वो गंदा है, अच्छा नहीं है, उसके अंदर गोबर पड़ा है या तो कूड़ा कचरा है, लाइए मुझे, वो मैं साफ कर देती हूँ और उसके अंदर बाद में खीर दूंगी। तो साधु महाराज ने कहा नहीं नहीं, आपको खीर देनी है तो इसमें ही दीजिए। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं नहीं दे सकती इसमें, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी, आप वो खा नहीं सकोगे। चाहे तो मैं अंदर से दूसरा एक बर्तन लेके आती हूँ छोटा सा, उसके अंदर मैं आपको खीर देती हूँ, वो आप ले जाइए साथ में। साधु महाराज ने कहा नहीं, यदि आपको देनी है खीर तो इसी के अंदर दीजिए, नहीं तो मुझे नहीं खीर देनी चाहिए। तो स्त्री भी मना कर रही थी, वो कैसे दे खीर उसके अंदर, उसने भी ना बोल दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं खीर दे सकती। तो साधु महाराज ने कहा कि यही मेरा उपदेश है। स्त्री ने कहा कि अरे नहीं मैं समझी नहीं। तो साधु महाराज ने कहा कि जैसे इस बर्तन के अंदर कूड़ा कचरा है, गोबर है, इसलिए आप इसके अंदर खीर नहीं दे रही हो मुझे, तो उसी के प्रकार आपके अंदर यदि कूड़ा कचरा है तो फिर मैं जो उपदेश दूंगा वो कैसे अंदर जाएगा और वो कैसे अंदर रहेगा, खराब हो जाएगा। हमारे यहाँ भी हम आम के सीज़न में होता है कि नहीं, कि आम आप पकने के लिए रखते हो, 15-20 आम साथ में रख दिए, उसमें से एक आम यदि ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हो, वो तुरंत आम निकाल करके रख देते हो बाजू में और कहते हो कि एक आम बाकी सबको ख़राब कर देगा। तो हमारे अंदर भी जो कूड़ा कचरा है, गलतियाँ हमारी है, हमारी खराबियाँ हैं, कमियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें यदि अंदर है तो वो जो सामने से दिव्यता आने वाली है वो दिव्यता आकर के कैसे बसेगी अंदर। तो इसलिए पहले उसको साफ करो। उसको हम साफ जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन आना नामुमकिन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें सफाई करनी चाहिए हर रोज। रोज हम सफाई करेंगे तो जो कुछ भी हमने परते बनाई हैं, छापे बनाई हैं, वो धीरे धीरे निकलती जाएगी, और वो यदि निकलती है तो ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मुझे लगता है कि ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद।